हम आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी है कि आज हिंदी दिवस है और हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, लेकिन आज सरकारें जिस तरीके से भाषाओं की अवहेलना कर रही हैं, हम जानते हैं और समाजशास्त्र से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि भाषा जितनी समृद्ध होती है, चिंतन भी उतना ही समृद्ध होता है। इसलिए सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। आप देखिए, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब शिक्षक भर्ती हुई वर्ग 2 की, तो उसके लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 100 पद दिए गए। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की कितनी ज़रूरत है प्रदेश के अंदर, लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, वहाँ पर देख रहे हैं कि भर्ती नहीं कर रही है। आज हिंदी दिवस है, आज हिंदी पे लेके सभी लोग वो हैं कि भाई हमारी मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि महोदय, अगर आप भाषा को लेके इतने ही चिंतित हैं तो हिंदी के पद बढ़ाइए। मात्र 100 पद से प्रदेश के अंदर हिंदी समृद्ध नहीं हो सकती। कम से कम आप देखिए, PhD स्टूडेंट हैं, MPhil हैं, BEd स्टूडेंट आज सड़कों की खाक छान रहे हैं, वो आज दूसरा काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। और प्रदेश का नौजवान जब भर्ती की मांग को लेकर सरकार के पास ज्ञापन लेने के लिए जाता है तो सरकार का डंडा चलता है। आज प्रदेश के अंदर हमने देखा 4 सितंबर को कि हम सभी लोग वहां पर गए थे प्रदर्शन करने के लिए, और सरकार ने हमारी बहनों पे ऊपर लाठीचार्ज किया, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, अभद्र व्यवहार किया, नौजवानों पर लाठीचार्ज किया। साथियों, हम आपके माध्यम से संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि हिंदी विषय के पद बढ़ाए जाएँ, सभी विषयों में समान पद आएँ। प्रदेश के अंदर मात्र 5,000 से कुछ पदों से कुछ होगा नहीं, 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं प्रदेश के अंदर। प्रमोद नामदेव मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हम संगठन से हैं और ये संयुक्त समिति है जिसमें सभी संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।